हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, सुशांत सिंह राजपूत का आर्ट कंपटीशन चल रहा है, 15 अगस्त तक चलेगा। तो इट्स आर्ट अड्डा, क्या नाम इस चैनल का नाम है, उसने ये आर्ट कंपटीशन रखा है। तो इसके लिए मैं आपको ये सुशांत सिंह राजपूत का पोर्ट्रेट कैसे ईजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं, वही मेथड आप इस वीडियो में जान सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और ड्राइंग को इन्जॉय करिए, आप भी कर पाएंगे ऐसी ड्राइंग। तो जो जो स्टेप मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वो आप फॉलो करिए, ज़रूर फॉलो करिए, आप ड्राइंग अच्छा करेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरा एंड तक धीरे धीरे आप देखते रहिए मैं कैसे क्या अप्लाई कर रहा हूँ। तो ड्राइंग अच्छा लगे तो लास्ट में, तो ये पार्ट वन है, तो ड्राइंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो कोई भी ड्राइंग में पार्टिसिपेट करेगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार ड्राइंग इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर का हर एक बॉक्स कर लिया हूँ। उसके मेजरमेंट का हिसाब से A4 साइज का पेज है, उसके हिसाब से मैं 3 सेंटीमीटर का बॉक्स ले चुका हूँ। तो यहाँ रेफरेंस पिक्चर में 3 सेंटीमीटर का ही है। तो यहाँ पर मैं काउंट कर लेता हूँ कि इस जगह में क्या आई स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर जूम कर लिया हूँ और 3 सेंटीमीटर का फ़ोन में जूम करके उनका लेता हूँ 3 सेंटीमीटर का बॉक्स कितना बड़ा होगा। तो उसके हिसाब से ड्रॉ करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो किस घर में क्या हो रहा है, किस बॉक्स में आई स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और 5 मैंने काउंट कर लिया, और यहाँ पर 1 2 और 3, हाँ यहाँ पर, हाँ 3 से थोड़ा करीब। तो इस साइड से मैं आई को ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने के। तो ये मेरी पहली एक्सपीरियंस रहा है ग्रिड मेथड का, तो कैसा होता है देखते हैं। तो आप इसी तरह आपको करना पड़ेगा, जिस जगह में, जिस घर में, जो स्टार्टिंग में जो चीज़ है आई, मतलब मैं आई पहले करता हूँ, तो इसी तरह आपको करना होगा। तो वीडियो एंड तक धीरे धीरे देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। और एक बात, प्रेशर अप्लाई मत कीजिए ड्राइंग, जो आप आउटलाइन बना रहे हो तो प्रेशर थोड़े कम कीजिए, क्योंकि जो आप मिस्टेक कर लेते हो, मतलब कोई भी जगह, तो उसको इरेज करने में थोड़ा तकलीफ़ होगा, इरेज जल्द से नहीं होगा, थोड़ा दाग रह जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ थोड़ा लाइटली प्रेशर अप्लाई करके आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो और एक बात, ये जो प्रेशर अप्लाई का बात कर रहा हूँ, इजीली आप कर सकते हैं लाइटली प्रेशर अप्लाई करके। नेक्स्ट टाइम जब आप स्केच करोगे तो उसके हिसाब से आप स्केचिंग में जो बहुत अच्छा लुक ला सकोगे, क्योंकि जो लाइट प्रेशर आउटलाइन होता है तो उसमें आप अच्छी तरह से ढक दोगे जो लाइट आप आउटलाइन दोगे। और जो अब आप हार्ड आउटलाइन, मतलब आउटलाइन दोगे, मतलब प्रेशर अप्लाई करके जब आप लेंगे, तो बहुत ही देखने में अजीब लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहता हूँ प्रेशर हल्का बनाए रखिएगा। यहाँ पर मैं दोनों आई को कंप्लीट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर नोज़ को कर लेता हूँ, किस घर में आप देख पा रहे हैं, इसी तरह करना है। और एक बात, जो मोबाइल का जूम है वो आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा साइड में, जो मैं कर रहा हूँ जिस तरह से, उस तरह का आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं नोज़ कंप्लीट कर लिया, अभी मैं माउथ को ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। गाइज आपको ड्राइंग पसंद आएगी तो प्लीज ड्राइंग पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके बताइए कैसा हुआ है। और आप पार्ट टू इस चैनल पर मिलता रहेगा, पार्ट टू आएगा तो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो आप जल्दी से समझ जाएंगे मैं कैसे पार्ट टू में स्केचिंग कर रहा हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।